हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में बहुत डिफिकल्टी होती है इसको याद करने में और समझने में, तो आज हम इसको समझेंगे भी, साथ में इसको प्रूव करके भी बताऊंगा मैं, और इसको कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगा साथ में, ठीक है। तो हम पहली आइडेंटिटी लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को ये आइडेंटिटीज इसलिए याद नहीं होती हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी या एक्स वाई इनकी टर्म्स में ये आइडेंटिटीज होती हैं, इसलिए बच्चों को इसको याद करने में मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये ए बी यहाँ पे कुछ नहीं है, वेरिएबल्स ही हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को कोई भी नंबर ही रखेंगे हम, लेकिन उस ए नंबर्स को हम कंडीशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे हमने 1 2 रख लिया उसको, कहीं पे 3 4, इस हिसाब से हम वैल्यूज उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार हम नंबर्स को रख के इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसका जो प्रॉपर प्रूफ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं ए की जगह 2 रख लेता हूं और बी की जगह 3 रख लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ए की जगह 2 रख लेता हूं और बी की जगह को 3 रख लेता हूं, तो यहां रख लिया तो लेफ्ट साइड में अगर रख लिया तो ये हो गया 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड में भी ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हो गया ये 5 का स्क्वायर, राइट साइड में हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 4, 4 3 12, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इधर ये हो गया 13 प्लस 12 25 इक्वल टू 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करी है कि ये ए और बी की अगर वैल्यूज हम कुछ भी रख दें यहाँ पे तो ये हमेशा इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए को 2 कंसिडर किया और बी को 3 कंसिडर किया और उस हिसाब से हमने लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाया, ठीक। अब अगर इसको प्रूफ करना है तो जो इसकी लेफ्ट साइड है उसको देखता हूं मैं, अगर मैं ढंग से देखूं इसे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कोई भी चीज का स्क्वायर, यानी उसको 2 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। वो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस टर्म को। और अगर मैं इसको सॉल्व करके ये दिखा दूं तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए ये ए प्लस बी और ये प्लस का बी, एक बार इस वैल्यू के साथ ये नंबर ले लिया, एक बार इस वैल्यू के साथ ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए, इसको भी ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व कर दें हम तो ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या इसी को हम ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, या इसको लिख लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने खोल दिया है और फिर उसको सॉल्व किया है और उसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बना है, ठीक। ऐसे ही हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम प्रोसेस है, सेम वही करेंगे, इसको खोल लेंगे हम, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं और उसको फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यही वैल्यू आएगी, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स रख के भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको नंबर रख के ही इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की जगह वैल्यू कंसिडर कर लेता हूं, मैं ए की जगह 1 रख लेता हूँ, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ पहले, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब राइट साइड में रख लू तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस
टू इंटू बी, बी की वैल्यू है टू, सी की वैल्यू है थ्री, प्लस टू इंटू सी यानी थ्री इंटू ए। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये दोनों साइड इक्वल आएंगे। ठीक, तो वन प्लस टू थ्री और थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो इस तरफ हो गया ये सिक्स का स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर दूं तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू टू जा फोर, प्लस टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, तो सिक्स का स्क्वायर करूं तो ये हो गया 36, इधर ऐड करूं तो ये हो गया 10, 14, 14 और 4, 18, 18 और 6, 24, 24 और 12, 36। ठीक है, तो ये दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही मैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको दो बार अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको दो बार लिख लिया। ठीक है, अब एक बार इसके साथ ये नंबर ले लूंगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस साथ में बी के साथ ले लिया ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में ये सी के साथ वैल्यू ले ली ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, a इंटू सी ए सी हो गया, ऐसे ही b इंटू ए बी हो गया, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, प्लस b इंटू सी बी सी हो गया, ऐसे ही c इंटू ए सी हो गया, प्लस c इंटू बी बी सी हो गया, प्लस c इंटू सी सी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो स्क्वायर वाले जो सबसे बड़ी पावर है वो आगे लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आगे आ गया। ठीक है, प्लस ए बी, एक ए बी ये दिख रहा है आपको, एक ए बी ये दिख रहा है आपको, तो ये टू ए बी हो गया, प्लस एक बी सी ये दिख रहा है, एक बी सी ये दिख रहा है, तो एक बी सी ये है, एक बी सी ये है, तो टू बी सी, और एक ए सी ये है और एक ए सी ये है, तो प्लस टू ए सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक है, यही दो तीन फॉर्म और हो जाते हैं, अगर यहाँ पे मान लो बी नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ऐसे ही अगर अब मैं देखूं तो ए, अगर मान लो अब ये बी की जगह सी नेगेटिव है, तो अब ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस का टू सी ए। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस का बी और माइनस का सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का टू बी सी और माइनस का टू सी ए। ठीक है, इन सब को वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे इसको अभी हमने प्रूफ करके देखा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले पढ़े हमने अभी, तो इनको आपस में रिलेट करके कैसे ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे a और b का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे पावर है टू। ठीक है, तो यहां इंडिविजुअली क्या करा हमने, इस नंबर का स्क्वायर फिर इस नंबर का स्क्वायर, ठीक, और टू का ही हर जगह टू का ही यूज हो रहा है, साथ में हमने टू टाइम्स करा किसका, ए बी का। ठीक, तो यहां पे पावर में है टू और यहां पे मल्टीप्लाई में है टू, बस एक फॉर्मूला हम याद रख लें तो दूसरे को हम उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब यहां पे अगर माइनस होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिख रहा है कि ये प्लस का था और ये माइनस का था, सेम वही चीज होनी है, बस अब क्या होगा, जहां पे ये 2ab प्लस का था यहां पे ये 2ab माइनस का हो गया। ठीक, अब जैसे ये फॉर्मूला याद रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला तो आप याद रखोगे। ठीक, और इसको भी वैसे रिलेट करके देख सकते हो कि तीन नंबर का स्क्वायर हो रहा है यहां पे, तो हर जगह स्क्वायर मतलब टू का यूज हो रहा है, तो टू ही यूज करना है हर जगह पे, तो पहले तो इन तीनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर होगा, फिर टू टाइम्स करके सब सारे नंबर दो दो करके एक साथ मल्टीप्लाई होंगे ट्वाइस करके सब,
तो यहाँ पे ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर फिर टू टाइम्स ए बी फिर टू टाइम्स बी सी फिर टू टाइम्स सी ए। ठीक है, अब जैसे इसको ध्यान रखा है इसी से रिलेट करके ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, फिर ये अब देखो कैसे करना है। ये यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ पे ये माइनस का बी है, तो जहां जहां पे बी दिख रहा है आपको उससे आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये प्लस का बी था, यहाँ पे बी है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे प्लस का बी था अब यहाँ पे बी है तो यहाँ नेगेटिव आ गया क्योंकि यहाँ बी नेगेटिव है। अब एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, लेकिन दोनों बी बी सेम है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस बी का स्क्वायर करता यहाँ पर तो ये बाहर आके ब्रैकेट से बी स्क्वायर ही रहता। ठीक है, तो इसलिए वो वैल्यू पॉजिटिव ही रही। ठीक, अब ऐसे ही अगर तीसरा वाला देखे तो यहाँ पे माइनस का सी है, तो जहां जहां पे सी है मल्टीप्लाई में दूसरे वेरिएबल के साथ वहां पे वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बी सी था तो यहाँ पे सी आया है तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे सी ए था तो यहाँ पे सी आया है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, बाकी यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे दो नंबर है नेगेटिव, ठीक, अब दो नेगेटिव है तो जहां जहां पे बी और सी अलग अलग दिख रहे होंगे वहां पे नेगेटिव, जैसे यहाँ पे सिर्फ बी है तो नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ सी है तो नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए बी और सी, तो बी भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, तो हुआ कि यहाँ पे माइनस का बी और माइनस का सी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गए और ये टू तो आ ही गया उसके साथ साथ। ठीक है, तो आई होप आज ये कुछ एलजेब्रा की आइडेंटिटीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और पता लगा होगा कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं और साथ में इसको ध्यान रखने के लिए कैसे इसको रिलेट करना है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।